हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे AIESL की अगर हम बात करें, इंजीनियर सर्विस लिमिटेड का, यहाँ पर आपका एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 12th और ग्रेजुएट मांगा गया है। साथ ही साथ सैलरी काफ़ी शानदार है, 95,000 से लेकर के 1,28,000 तक की सैलरी है। तो चलिए जानेंगे हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। ठीक है, आपके कमेंट्स का हमें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है गाइस, ताकि हमें पता चले कि आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और कौन सा जॉब अपडेट चाहिए। यहाँ पे सॉफ्टवेयर जॉब चाहिए, आईटी सेक्टर्स के जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के चाहिए, ये सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। हम ऑलवेज वहाँ पे अवेलेबल है आपके हेल्प के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे AI इंजीनियर्स सर्विस लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किसके लिए? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए। ध्यान दीजिएगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए यहाँ पे फिक्स्ड टर्म के बेसिस पर यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे देखिएगा। अब बात आती है कि कौन कौन से होंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, कौन कौन सा मेंटेनेंस का रहेगा। तो पहला रहेगा आपका B1 B2, एयरबस रहेगा, उसके बाद बोइंग विमान रहेगा या ATR रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि वैकेंसी कितनी है। तो गाइस ध्यान देंगे, B1 में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की बात करूं तो 52 है, B2 में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर 26 है। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 78। आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहली चीज, वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST OBC जनरल सारे कैटेगरी में प्रॉपर किया जाएगा। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा, कोई भी रिजर्वेशन ऐसा नहीं होगा जो PWD के हैं। ध्यान रखिएगा, नो रिजर्वेशन इज अप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि PWD यहां पे अप्लीकेबल नहीं है। अब आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, ध्यान देंगे DGCA लाइसेंस यहां पर मांगा गया है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। नेक्स्ट है आपका CAR 66 CAT B1 B2 लाइसेंस एयरक्राफ्ट के लिए डिस्क्राइब्ड है। दूसरी चीज, मल्टीपल लाइसेंस एयर मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तीसरी चीज, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ इंडियन बोर्ड या यूनिवर्सिटी में। ये तो बात हो गई यहाँ पर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और ये हो गया आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं एज लिमिट पे। तो ध्यान देंगे, जनरल कैटेगरी में 50 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, OBC में 53 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, SC ST में 55 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक सर्विसमैन में 58 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पैसे कितने मिलेंगे, नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे सैलरी क्या रहेगी। तो इमोलुमेंट्स में अगर हम बात करें आपसे तो 95,000 से लेके 1,28,000 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड टर्म, मैं पहले ही बोला था आपको FTE मेंशन किया गया है यहाँ पे, FTE एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कितने सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो गया। लेटर कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड अर्लियर, यानी कि उससे पहले भी इसको खत्म किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ये डिसीजन पूरा का पूरा सेफ है। चलिए, वॉक इन के लिए अगर हम बात करें तो B1 में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर 52 पोस्ट के लिए 18 और 19 जुलाई को दिल्ली में होगा। दूसरा, 26 पोस्ट में B2 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को 18 और 19 को होगा न्यू दिल्ली में ही। नेक्स्ट आता है वॉक इन का, वेन्यू आपको दे दिया गया है। ध्यान देंगे, यहां पर वेन्यू मेंशन किया गया है AI इंजीनियर सर्विस लिमिटेड, सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स नियर जोरबाग अरविंदो मार्ग मेट्रो स्टेशन, अरविंदो मार्ग नियर जोरबाग मेट्रो स्टेशन, ये आपका वेन्यू है। अगर आपको लगता है यहाँ पे किसी को कि आपने यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस रखा है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। चलिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे चीजें रखी गई हैं कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको वॉक इन पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हैं वेन्यू पे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 1,000 रुपीज का फी पेड करना है। जनरल और ओबीसी के लिए डिमांड ड्राफ्ट बना करके, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन पे करने का सर्विस नहीं है। AI इंजीनियर सर्विस की अगर हम बात करें मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए, तो यहां पर 1,000 का DD बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ओके, डिमांड ड्राफ्ट के बाद ये आप जैसे ही डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे तो जनरल कंडीशंस के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, DGCA के द्वारा ये
इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की रिक्रूटमेंट आती है। गाइस अगर आपको लगता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सब कुछ सूटेड है आपको, आप एक्सपीरियंस रखते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मेंटेनेंस में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट में। बने रहिए हमारे चैनल पे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आप हमें बताएं कि किस तरीके का जॉब रिक्वायरमेंट की जरूरत है, या फिर कहीं पर भी कोई भी पर्सनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर भी आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छा पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।